How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. तो फिर हेलो मेरे भाइयों और मेरी बेसियों, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से अपन आ चुके हैं डैमेज देव गेम प्ले में। तो भाई अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो भाई इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। तो भाई मैं आपको सिंपल से एक बात बताना चाहता हूँ कि आज तक जितनी कोशिश मैंने अपनी सेटिंग को पटाने में नहीं की ना, उससे भाई लोग ज़्यादा कोशिश यहाँ पर मैं किल निकालने में करता हूँ। लेकिन साला सेटिंग की तरह ये भी धोखेबाज निकलती, ना सेटिंग पट पाई ना ही किल निकल पाई। बट भाई लोग आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आज की वीडियो में आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक आ चुकी क्या सालों, आ गई है देख लो। तो भाई लोग लास्ट के मैंने कुछ वीडियो डाले थे उन सबको आपने देख लिया होगा, मैं बस सालों सेटिंग पटाने के कोई नहीं डाले थे, पे टिप्स एंड ट्रिक के डाले थे, उन सबको अगर आपने देख लिया तो आपके लिए ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देन सिंपल से आज मैं आपको बताऊंगा कि देखो भाई अब ज़्यादा प्लस नहीं मिलेगा आपको, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो भाई आपको पता है कि एक महीना कंप्लीट हो चुका, अब दूसरा महीना शुरू हो चुका है। सालों तुम वो वाले महीने मत समझना, 9 महीने वाले ऐसा वो वाला नहीं, सालों मैं सीजन की बात कर रहा हूँ, C2S4 का ये सेकेंड मंथ चल रहा है, ठीक है। तो भाई ये लास्ट मंथ है, उसके बाद में एक नया सीजन आएगा, C2S5 आ जाएगा। देन भाई देखो अभी जैसे जैसे टाइम जा रहा है ना, वैसे वैसे भाई लोग प्लस लेना कम हो गया है। और भाई लोग अगर आप अभी खेलते हो ना तो आपको पता है कि अभी ना लॉबी उस टाइप की नहीं आ रही है जैसे पहले आ रही थी। और भाई बहुत सारे रीजन है, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा हैकर भी आ रहे हैं, देन भाई लोग बहुत सारे बंदों के माइनस भी लग रहे हैं, और भाई अब उतना प्लस नहीं मिल रहा है जितना पहले प्लस मिल रहा था। देन भाई फिर भी अब देखो आपको कॉन्कर करना है, जैसे जैसे भाई टाइम ज़्यादा बीतेगा ना वैसे वैसे भाई लोग और भी प्लस मिलना कम होगा। इसलिए भाई लोग सिंपल सी मैं आपको एक ही आज बात बताऊंगा, देखो भाई अभी ना आपको जितना हो सके आपको ज़्यादा खेलना है, जितना खेलोगे उतना भाई लोग जितना जल्दी होगा ना कॉन्कर उतना आपके लिए फायदा है। अब सालों जिन्होंने कल का वीडियो देखा होगा वो एक ही बात बोलेंगे, साला जितना सेटिंग नहीं पड़ता उससे ज़्यादा ऐसी गेमिंग की बातें पलट जाती है भाई। सालों ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो सालों अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कल मैंने ये बोला था कि अगर आप एस डोमिनेटर पे हो ना तो 50 या फिर 100 का प्लस निकालो, और एस मास्टर पे हो ना तो भाई 100 या 150 का प्लस निकालो। मतलब कि अगर आप इतना प्लस निकालते हो तो आपको बहुत सारे गेम ऑलरेडी खेलने पड़ेंगे, बिकॉज कुछ माइनस भी होंगे कुछ प्लस भी होंगे। देन सिंपल सा मेरे बोलने का यही मतलब है कि अगर हो सके तो दिन में 10 गेम के आसपास में खेलो, और 100 या 150 का प्लस निकाल लेते हैं ना आप तो भाई बहुत है, इनफ है, फिर नेक्स्ट डे ट्राई करो, आपका आराम से कॉन्कर हो जाएगा। अब भाई देखो ज़्यादा प्लस तो तभी मिलेगा जब आप एक अच्छे खासे किल करोगे और एक अच्छा खासा पोजीशन निकालोगे। अब भाई देखो जितना हो सके उतना चिकन पर आपको फोकस करना है, अगर भाई किल हो या ना हो लेकिन भाई लोग चिकन निकालना है ना, अगर आप चिकन भी निकाल लेते हो तो भाई कम से कम आपको 20 का तो 100% प्लस देगा ही देगा। देन भाई किसी भी हालत में आपको चिकन तो निकालना है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे से भाई चिकन नहीं निकलता है तो भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको अच्छे खासे किल निकालने और भाई #5 करना है। तो भाई अगर आप इन दोनों में से एक भी काम नहीं कर सकते तो भाई मेरे पास ना तीसरा एक और काम है। तो भाई देखो तीसरा काम ये है कि सालो कुछ मत करो, जाओ रजाई में सो जाओ और सेटिंग बनने के सपने देखो, और सालो ये भी सपना देख लेना कि मेरी भी बन जाए कहीं, मैंने सुना है सालो सपने सच होते हैं, तो तुम भी सालो मेरे लिए सपना देख लेना। बट छोड़ो अपन आते आज के टॉपिक पे। तो भाई देखो सिंपल सा अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं खुद कौन से जोन में मतलब कि रोटेशन देता हूँ या फिर सेंटर पकड़ता हूँ। तो भाई देखो कम से कम मैं 3 जोन बार होल्ड करता हूँ, बिकॉज आपको पता है हैकर बहुत ज़्यादा आते हैं। और भाई देखो अभी मैं दूसरी आईडी में पुश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अपनी रियल आईडी में पुश कर रहा हूँ, रियल आईडी में 3-4 गेम खेलता हूँ इतना इनफ है, अपनी रैंक मेंटेन हो रही है। अपन को और #1 या फिर 2, 3, 4 आपको उनको कुछ भी नहीं करना, अपन को बस जितना है उतना मेंटेन करके रखना है। देन भाई सिंपल सा मैं 3 या 4 गेम खेलता हूँ अपनी मेन आईडी में, बाकी कुछ गेम है वो दूसरी आईडी में खेलता हूँ, दूसरी आईडी में पुश कर रहा हूँ। देन सिंपल सा आपको एक ही बात बताऊंगा कि आपको कम से कम 3 जोन बार होल्ड करने, अगर हैकर होता है तो आप समझ जाओगे कि लॉबी खत्म हो चुकी है, अगर आपको लगता है कि लॉबी में बंदे अलाइव रह ही नहीं रहे तो भाई कम से कम आपको एज होल्ड करना है, एज खेलते रहना, धीरे धीरे जोन के अंदर एंट्री लेना। अगर आपको लगता है कि लॉबी में अच्छे खासे बंदे अलाइव है तो भाई सीधा सेंटर पकड़ना, और सेंटर पकड़ोगे तो आपको भाई ना एक सिंपल सा फायदा रहेगा कि वो ये है कि आप आराम से चिकन ले पाओगे। और भाई हाँ एक और बहुत ज्यादा टिप्स है, बहुत ज्यादा महंगी टिप्स है सालों, ये किसी को मत बताना, तुम्हारी सेटिंग को ही बताना। तो भाई देखो ये टिप्स है कि अगर आप हो सके ना तो भाई अपने 2 टीम में, आप साले डो में 2 ही होते हैं, तो भाई देखो एक टीममेट को बोला करो कि वो 200 मीटर दूर रहे, और दूसरे को बोला करो कि 200 मीटर वो भी दूर रहे, मतलब कि दोनों के बीच में कम से कम 200 मीटर का ना डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका टीममेट मर गया और जो स्प्रे आएगा उससे समझ जाओगे कि वो स्प्रे हैकर का है फिर लेजिट बनने का है, अगर आपको लगता है कि हैकर है सामने तो सिंपल सा दूसरा टीममेट भाग जाएगा रिकॉइल के लिए। तो भाई अगर आप ये वाली ट्रिक भी यूज करते हो तब भी भाई आपके माइनस नहीं लगेंगे। और भाई बहुत बार क्या होता है कि आप लूटने जाते हो वहाँ पे कैंपर मिल जाते हैं, मेरी तरह सालों मैं खुद भी बहुत गेम करता हूँ। तो भाई आपको क्या करना है कि पहले एक टीममेट को भेजो, अगर वो टीममेट जिंदा बचता है ना तो ही भाई आप जाया करो, अगर वो मर जाता है तो आप सिंपल सा रिकॉल पे जाओ और रिकॉल कर लिया करो। अगर ये वाली भी ट्रिक यूज करते हो तो भाई आपके माइनस लगने के 99% चांस ना
कम हो जाएंगे। और भाई ऐसे मतलब किया करो, अपने टीममेट को आगे भेजा करो और आप पीछे रहा करो भाई। ऐसे मतलब कि एक बार आप करो, एक बार आपका टीममेट करेगा, ऐसा अगर खेलते हो ना तो भाई देखो मैं अभी बता रहा हूँ 99% आपके अगर माइनस लगते ना तो वो माइनस लगने का चांस भी खत्म हो जाएगा। अगर भले ही सामने हैकर क्यों ना, अगर हैकर है आपको मार देता आप समझ जाओगे, आप दूर भाग जाओगे और जोन के बाहर रहोगे। तो अगर आप 200 या फिर 300 मीटर का डिस्टेंस लेके खेलते हो ना तो भाई उससे बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, बिकॉज आप रिकॉइल कर सकते हो टीममेट को। तो भाई न आना न जाना, तुम्हारी सेटिंग बैठी है मेरी लॉबी में, जिसको है मुझे बुलाना। तो जा रहा हूँ सालों तुम्हारी सेटिंग को बुलाने, पटाऊंगा सालों, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए ना तो तुम्हारी होने वाली सेटिंग की कसम है, जो सालों आज मेरी हो ही जाएगी।